नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त जेजेएन की टीम मौजूद है हल्द्वानी की सब्जी मंडी में। आप पीछे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सब्जियां जो है वो देखने को मिलेंगी। आज हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि अभी मार्केट में आलू और प्याज के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं हल्द्वानी में किस तरह से आलू और प्याज के दाम जो है वो अभी इस समय चल रहे हैं। बाकी सब्जियों के क्या दाम है, क्या उनमें बढ़ोतरी हुई है या फिर गिरावट हुई है, और क्या प्राइस में ये लोग जो है वो सामान लाते हैं और मार्केट में प्राइस में बेचा जाता है। बिना किसी देरी के व्यापारियों से आपकी बात कराते हैं और जानते हैं कि इस वक्त सब्जियों के क्या दाम हल्द्वानी में चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? श्री राम गुप्ता। भैया, अभी अगर आज की बात करूं मंडी में आलू और प्याज के क्या दाम है? आलू प्याज 25 रुपए किलो है। 25 रुपए। इसमें गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है? आलू महंगा हुआ है, प्याज डाउन हुई है। डाउन हुआ है। आलू पहले कितने प्राइस था और अब कितना? पहले 15 रुपए किलो था, फिर 20 हुआ, अब 25 हो गया। 25 हो गया है। ये पूरी मार्केट में 25 चल रहा है या अलग अलग भाव है? ये पूरी मार्केट में चल रहा है 25। और प्याज पहले कितना था? पहले था प्याज 30, अब हुआ 25। प्याज में गिरावट आई है। हाँ, आलू कम आने लगा ना। कम आ गया है। कहाँ से आ रहा है ये जो माल? ये आ रहा है संभल का आ रहा है इस टाइम। संभल का आ रहा है। तो कितने में आप खरीद रहे हैं और कितने में आप बेच रहे हैं? ये 950 रुपए कट्टे का आ रहा है। 950। और कट्टे का ही मैं बात करूँ तो मार्केट में कितना बेच रहे हैं कट्टा? यहाँ कितना बेच रहे हैं हम? कट्टा थोड़ी ना बिकता, फुटकर बिकते हैं। फुटकर में बिकते हैं। अच्छा, 950 के हिसाब से 25 रुपए किलो आप आलू बेच रहे हैं? हमारा पड़ रहा 22 रुपए किलो, 25 हम बेच रहे हैं। नमस्कार, आपका नाम? अमर। सर, प्राइस का चल रहा है अभी, मैं प्याज और आलू की बात करूँ तो अभी मंडी से आप किस प्राइस पे ले रहे हैं और यहाँ पे बाजार में कितना बेच रहे हैं? 20 रुपए किलो ला रहे हैं, 25 रुपए बेच रहे हैं। क्या प्याज आलू दोनों चीज एक ही रेट है? सर, दोनों चीज एक ही रेट है। अभी जो आलू और प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई है, कारण के मानने क्यों बढ़ोतरी हुई है? नहीं, प्याज का रेट तो वही है पहले वाला। आलू जो फसल नहीं है इस टाइम, कोलेस्ट्रॉल से आता निकल के, उसकी वजह से महंगा होता है। अच्छा, तो अभी जो सामान आता है आपका, ये आलू और प्याज कहाँ से आता है? ये बड़ी मंडी से आता है नीचे, यहाँ पे बड़ी मंडी से। अच्छा, तो ये जो आलू के दामों में बढ़ोतरी हुई है ये कितने समय पहले हुई है? ये अभी करीब एक महीना हो गया। एक महीना हो गया। गिरावट का सोच रहे हैं कि कब तक गिरावट होगी इसमें? गिरावट तो अगले साल जाड़ों में होगी जाके। अच्छा, तब तक आलू इसी तरह रहेगा? इसी तरह। और प्याज में गिरावट आएगी? प्याज में गिरावट होगी। नई प्याज आ गई? नई प्याज आ गई है। अच्छा, 15 रुपए किलो? 15 रुपए किलो नई प्याज। और पुरानी? पुरानी 25। पुरानी 25। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? शहजाद। सर, टमाटर का अभी प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में 20 से लेकर 15 तक रुपए किलो। किलो? अच्छा, ये तो जो टमाटर है सस्ता हो गया? सस्ता हो गया अब टमाटर, अब सस्ता ही रहेगा। सस्ता ही रहेगा। अच्छा, तो पहले क्या प्राइस था? पहले तो बहुत ही ज्यादा भाव जो थे वो बढ़ गए थे टमाटर के। बढ़ गए थे, ऐसा था कि हाँ का लोकल का टमाटर खत्म हो गया था। हाँ। बाहर का टमाटर आ रहा था। अच्छा, महंगा हुआ तो कितने तक पहुँचा था टमाटर? जब टमाटर 40 से लेकर 50 तक पहुँचा था, बस 50 तक पहुँचा था। अच्छा, तो अभी ये जो टमाटर है वो 20 रुपए किलो बिक रहा है? अब 20 बिक रहा है। 20 बिक रहा है। अच्छा, कहाँ से लेकर आते हैं आप? ये बड़ी मंडी से आता है नीचे। बड़ी मंडी से आता है। कितने का आप खरीदते हैं और यहाँ पे कितने का बेचते हैं? ये क्रेट आ रहा 300 रुपए का, ये इसमें निकलता है 20 किलो टमाटर। 20 किलो टमाटर 300 रुपए का? हाँ, तो हम बेचते हैं 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो की 100 रुपए क्रेट बचता है, इसमें खराब नहीं निकलता है, तो ये है कि 100 रुपए बच जाता है क्रेट पे। अच्छा, तो आप यही के? तो आपकी खुद की ये है या फिर आप बाहर से भी लेते हैं? हम तो बड़ी मंडी से लाते हैं, तो खुद का हमारा ही। ये खुद का ही है, मतलब खेती भी करते हैं और बाहर से भी लेकर आते हैं? ना ना, ये खेती भी नहीं, हम तो मूली लेकर आते हैं। खेती मूली बेचते हैं। अच्छा, तो अभी कब तक ये जो टमाटर है सस्ता ही रहने वाला है? अब तो सस्ता ही रहेगा, अभी 10 रुपए भी रेट आएगा इसका। अच्छा, मतलब अभी और गिरावट होगी? अभी और गिरेगा। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। सर, जिस तरह से अभी सब्जियां जो है उनके दामों में उछाल और गिरावट आ रही है, अभी जो सब्जियां आपके पास मौजूद है इनके क्या रेट चल रहे हैं? ये खीरा चल रहा है 20 और 30 में। 30 रुपए किलो? हाँ, 20 भी है। भिंडी क्या चल रही है? भिंडी 40 रुपए किलो चल रही है। 40 रुपए। बैगन भी देख पा रही हूँ मैं, बैगन 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो है। और लौकी 15, 10, 15 और 20। अच्छा, तो अभी जो आप मंडी से सामान लेकर आते हैं या बाहर से मंगाते हैं? मंडी से लाते हैं। क्या भाव में लाते हैं और यहाँ पे कितने में बेचते हैं? ये हमें जैसे 10 मिलता है तो 15 बेच देते हैं, 20 मिलता है 25 बेच देते हैं। अच्छा, मतलब 5 रुपए का? 5 का वो लेते हैं। तो अभी सबसे अगर मैं पूरे उसमें बात करूँ तो ग्राहक जो है सबसे ज्यादा क्या ले रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या लोग? लोकी ज्यादा बिक रहा है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो कार्ट है इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, तो इन सभी सब्जियों का प्राइस आज के दिन में क्या चल रहा है? रेट? रेट क्या चल रहा है? रेट ये है 50 शिमला और बीन और 40 रुपए किलो शिमला मिर्च, खीरा भी 25 और तुरई 40, कद्दू 20, लौकी 20। और ये अदरक? अदरक 50 रुपए पाओ। 50 रुपए पाओ। और ये मिर्च? मिर्ची 15 रुपए पाओ। भिंडी? भिंडी 40।
अच्छा, तो कोई महंगा हुआ है या सभी सस्ता? एक रेट है, सस्ता हो रहा है। सस्ता हो रहा है? क्या चीज सस्ती हो रही है अभी? तो टमाटर जैसे सस्ते हो रहे हैं। टमाटर सस्ता हो गया, कद्दू है, लौकी सस्ती है, सभी आइटम सस्ते हैं, हरी मिर्च सस्ती है, खीरा सस्ता है। तो आप सामान कहाँ से लेकर आते हैं? बड़ी मंडी से। बड़ी मंडी से। अच्छा, तो कुछ आपकी खेती भी है या फिर सारा सामान यहाँ से? नहीं, साता। तो आप कितने वहाँ से कितने में लेते हैं और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होता है? ये तो ये 40 किलो आगे 50 बेचनी पड़ती, 30 किलो आगे 40 बेचनी पड़ती है। मार्जिन होता, उसमें खर्चा भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, खेली का खर्चा, किराया खर्चा सभी होता है। अच्छा, चाय का खर्चा सभी निकलता है यहाँ से। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाया कि किस तरह के जो रेट हैं वो हल्द्वानी की सब्जी मंडी में सब्जियों के चल रहे हैं। आलू के दाम जो है वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पहले जो आलू था वो 15 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन आज सब्जी मंडी में जो आलू का दाम है वो 25 रुपए किलो है। वहीं प्याज भी 25 रुपए किलो है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि प्याज के दामों में गिरावट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। वहीं जो बाकी सब्जियां थी वो कहीं ना कहीं उनमें गिरावट हमें देखने को मिली, जिस तरह से टमाटर में गिरावट दर्ज की गई है, 20 रुपए से 25 रुपए किलो टमाटर यहाँ पे बेचा जा रहा है। वहीं और भी जो सब्जियां हैं, लौकी, बैंगन, खीरा, उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, जेजेएन न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।